हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एमडीएन स्कूल क्लाइव। एज यू नो, वी आर ऑन फोर्थ लेसन ऑफ नागरिक शास्त्र ऑफ नाइन्थ क्लास। आज हम नाइन्थ क्लास का नागरिक शास्त्र का फोर्थ लेसन जो हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, लेसन का नाम है संस्थाओं का कामकाज। आज हम इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। कल हमने इसके बारे में, मतलब जो मेन मेन बातें थी वो पढ़ी थी, आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री, वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। सरकार वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है। तथा देश की सर्वोच्च राजनीतिक कार्यपालिका होता है। जो प्रधानमंत्री है, लोकसभा में बहुमत, मतलब जिसको लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से बहुमत मिलता है, उस दल के नेता को, उस दल का नेता होता है कौन? प्रधानमंत्री। और जो प्रधानमंत्री है, सरकार का वास्तविक रूप से कार्यकारी अधिकारी होता है, मतलब क्या, सारे देश की जो बागडोर है, जो शक्तियां, वो किसके पास? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। वही देश का क्या है, नीतियां बनाता है, कार्य देश का शासन चलाता है, मतलब क्या है, सर्वोच्च, मतलब जो सर्वोच्च जो है, जो शक्तियां है वो प्रधानमंत्री के पास है। और सरकार का वास्तविक कार्यकारी जो अधिकारी होता है कौन? प्रधानमंत्री। तथा देश की जो सर्वोच्च राजनीतिक कार्यपालिका होता है, मतलब कहने का अर्थ है जो प्रधानमंत्री है वो जो देश की जो राजनीतिक जो कार्य होते हैं वो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के हाथ में होते हैं। प्रधानमंत्री ही इन कार्यों को पूरा करवाता है। और वह लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल के ने, जो जिस लोकसभा के अंदर जिसको प्रत्यक्ष रूप से बहुमत प्राप्त होता है, उस दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति की सलाह से क्या, जो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति ही क्या, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है उसके पद पर, मतलब क्या है, जिसको लोकसभा के अंदर क्या है, बहुमत, प्रत्यक्ष रूप से बहुमत मिलता है जिस पार्टी को, उस पार्टी के ही नेता को ही प्रधानमंत्री
नियुक्त करता है, न कि मतलब किसी को भी राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से नहीं किसी भी प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता जिसको लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से, जिस पार्टी को या किस दल को प्रत्यक्ष रूप से बहुमत प्राप्त होगा उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट, मंत्री राज्य मंत्री तथा उप मंत्री, मतलब कहने का अर्थ है जो मंत्रिपरिषद के अंदर तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। ये क्या है जो मंत्रिमंडल के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर क्या है, सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही होते हैं और इन मंत्रियों की अन्य मंत्रियों की अपेक्षा अधिक महत्व प्राप्त होता है। किसको, जो मतलब राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उप मंत्री हैं और मंत्रियों की अपेक्षा इनको अधिक महत्व प्राप्त होता है। और मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें क्या है, जो मंत्रिपरिषद क्या है उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं और इन सत्रों पर 60 से 80 मंत्री होते हैं, किसमें, मंत्रिपरिषद में। और फिर क्या है, अब हमने जो प्रधानमंत्री है, जो मंत्रिपरिषद है उसके विषय में पढ़ा, और अब हम क्या है, जो कैबिनेट मंत्री है, जो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो क्या है, सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन के के वरिष्ठ नेता, सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जो सत्ताधारी पार्टी है
या गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता होते हैं और ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, जो मंत्रालय होते हैं उनके प्रभारी होते हैं, और कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जो मंत्रिपरिषद के नाम पर क्या है, बैठक करते हैं, और इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का सिर्फ समूह होता है। इसमें करीब कितने मंत्री होते हैं, कैबिनेट 25 मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री क्या है, 25 मंत्री होते हैं, और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, जो छोटे मंत्रालयों के, जो जिनके पास कैबिनेट मंत्री के पास क्या है, जो प्रमुख मंत्रालय होते हैं ना, वो उनके नियंत्रण में होते हैं, प्रभारी होते हैं, और जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं ये छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, मतलब ये छोटे मंत्रालयों की रेख देख करते हैं, और विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। जब कैबिनेट मंत्री की जो बैठकें होती हैं उसमें जब क्या है, राज्य मंत्रियों को मतलब आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, तभी क्या है ये कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं। राज्य मंत्री वे अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं, जो मतलब स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं, मतलब जो छोटे मंत्रालयों पर के अधिकारी हैं, जो छोटे मंत्रालय उनको दिए गए हैं, उनके प्रभारी हैं, तो मतलब उनको क्या है, कैबिनेट की बैठक में आमंत्रित किया जाता, बुलाने पर ही मतलब वो कैबिनेट की मंत्री बैठक में भाग ले सकते हैं। जो राज्य मंत्री हैं वे अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से क्या जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं, मतलब जो अपने विभाग के जो कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं कौन, राज्य मंत्री, और उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक है, मतलब कहने का अर्थ है जो सारे मंत्रियों के नियमित रूप से मतलब इकट्ठा होकर वो चर्चा करना ही एक व्यवहारिक ही नहीं लिया जाए, फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं, मतलब सभी नियमित रूप से जो कर्मचारी मिलकर क्या है, व्यवहारिक ही नहीं मतलब क्या लिया जा, मतलब फैसले भी क्या है, जो कैबिनेट की बैठक होती है उनमें फैसले लिए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है, मतलब कहने का अर्थ है अधिकांश देशों में, ज़्यादातर देशों में क्या है, जो संसदीय लोकतंत्र को क्या है, सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है, कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है, जो कैबिनेट क्या टीम के रूप में, जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो एक टीम के रूप में काम करती है, मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, मतलब कहने का अर्थ है जो कैबिनेट जो मंत्री हैं जो इस टीम के अंदर उनके जो विचार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं उनकी राय, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है, मतलब जो कैबिनेट का जो फैसला होता है सबको इनकी जिम्मेदारी लेनी होती है, भले ही कि कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता, निंदा नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं, जो नौकर साहब होते हैं ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया करवाते हैं, मतलब जो ये नौकर साहब होते हैं हर मंत्रालय में क्या सचिव होते हैं, जो नौकर साहब होते हैं ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को क्या है जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं, जरूरी सूचना देते हैं, और टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय ही करता है, मतलब कहने का था टीम के रूप में जो कैबिनेट की मदद कौन करता है, कैबिनेट सचिवालय करता है, उसमें कई वरिष्ठ जो सचिव होते हैं और उसमें विभिन्न मंत्रालयों के बीच मतलब समन्वय यानी तालमेल स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या है जो प्रधानमंत्री के अधिकार है, मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे के से उनके संबंध के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सरकार के प्रमुख नाते प्रधानमंत्री को व्यापक अधिकार होते हैं।
सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय यानी तालमेल करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका अंतिम माना जाता है। कहने का अर्थ है सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री को व्यापक यानी बड़े तौर पर अधिकार होते हैं। किसको? प्रधानमंत्री को। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन? प्रधानमंत्री। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का जो कार्य है विभिन्न विभागों के जो कार्य का जो समन्वय यानी तालमेल करता है, तालमेल बिठाए रखता है। और विभाग के जो विवाद के मामले में जब विभागों में विवाद हो जाए उसके मामले में उसका निर्णय अंतिम होता है। किसका? प्रधानमंत्री का ही निर्णय अंतिम होता है। और विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में काम करते हैं। किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। मतलब कहने का अर्थ जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रियों के काम का वितरण करता है और उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। मतलब प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है प्रधानमंत्री के पास। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। कहने का अर्थ है जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो उसके साथ क्या है पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। कहने का अर्थ है भारत में जो कैबिनेट क्या है जो कैबिनेट जो संस्था है वो सबसे प्रभावशाली संस्था है। फिर जो कैबिनेट के भीतर जो कैबिनेट के अंदर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री। और दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। मतलब कहने का अर्थ है संसदीय जो लोकतंत्र देशों में प्रधानमंत्री के जो अधिकार क्या हैं
इतने बढ़ गए हैं कि जो संसदीय लोकतंत्र को भी कभी कभी क्या है सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा। राजनीति में जो राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, उनकी भूमिका बढ़ाने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रण करने लगा है। मतलब कहने का अर्थ है राजनीति में पॉलिटिशियन में जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, उनकी भूमिका बढ़ाने के साथ साथ ही जो प्रधानमंत्री क्या है पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद पर भी नियंत्रण करने लगा है। और मीडिया राजनीति और चुनाव का पार्टियों के जो वरिष्ठ नेताओं के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो बराबरी होती है, उसके रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास से ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। मतलब भारत के अंदर भी जो प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार हैं, और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा क्या थी, प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता। मतलब कहने का अर्थ है जो प्रधानमंत्री है, जो जिस पद पर बैठा है, प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, मतलब उसके व्यक्ति के जो प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके व्यक्तित्व पर ज़्यादा निर्भर करता है। और लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार में प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक क्या है सीमित तो हो गए हैं। किसके? गठबंधन के आधार पर। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता, मतलब जो गठबंधन के आधार पर जो सरकार बनी है और उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूह और गुटों के साथ गठबंधन की साझेदारी की राय भी माननी पड़ती है। लेकिन जो निष्पक्ष रूप से जो सरकार बनी है उस सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मनमर्जी से फैसले कर सकता है। इसके अलावा से गठबंधन के साझेदारों को दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है और आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी रहती है। सब किसके? जो गठबंधन वाली सरकार होती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने जो पढ़ा है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में और प्रधानमंत्री के अधिकार के विषय में, और जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।